नाउ लेट सी एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर अगर आपको दिए हैं तो ऐड कैसे करेंगे, ठीक है? चलो, सो सपोज यहाँ पे हम लोग तीन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे ऐसे वेक्टर एक ए दिया है, एक यहाँ पे वेक्टर बी दिया है, सपोज कोई तीसरा वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है सी, तो ये तीन वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलो, तो सपोज ये वेक्टर ए आपने एज इट इज ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब वेक्टर एडिशन की मेथड हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है? तो वेक्टर एडिशन की मेथड फॉलो करनी है तो क्या करेंगे, जो ये वेक्टर ए है उसके हेड के ऊपर से क्या ड्रॉ करेंगे, वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे, ठीक है? कैसे ड्रॉ करना है, देखो बी की डायरेक्शन है एज इट इज रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और दूसरा टेल ऑफ बी है वो है ए के हेड पे होना चाहिए, तो ये ड्रॉ कर दिया सर ने बी, ठीक है? तो अगर यहाँ पे वेक्टर ए और बी ड्रॉ कर दिया, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए की टेल से क्या करना होता है, बी के हेड तक एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है? ये आपको क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या देता है, ए प्लस बी देता है, ठीक है? तो ये हो गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो जो तीसरा वेक्टर है सी वो ऐसे है, तो अगर मैं यहाँ से तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तीसरा वेक्टर ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे देखो ये पहले दो वेक्टर ए और बी का जो सम आया वो है रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो अभी नेक्स्ट एडिशन हम लोग किसका करेंगे, हमने तो दो वेक्टर का एडिशन अब तक सीखा है, तो हमें वही दो वेक्टर का एडिशन करेंगे, लेकिन अब जो वेक्टर होंगे वो कौन से होंगे, एक होगा वेक्टर आर, दूसरा होगा वेक्टर सी। मतलब अब एडिशन करना है किसका, वेक्टर आर का और वेक्टर सी का एडिशन करना है। तो अब यहाँ पे देखो वेक्टर आर ये वेक्टर आर एज इट इज है, तो अब वेक्टर आर के हेड के ऊपर से क्या करना है, मुझे वेक्टर सी ड्रॉ करना है जो कि ऐसे है, तो ये मैंने वेक्टर सी ड्रॉ कर दिया, ठीक है? कैसे ड्रॉ करना है, सी की टेल है वो आर के हेड के ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन सी की जो है वो एज इट इज मेंटेन रहनी चाहिए। अब देखो हम लोग किसका एडिशन कर रहे थे, आर और सी का, तो आर की टेल से सी के हेड तक एक जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो आपको क्या देगा, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी, ठीक है, आर प्लस सी। अभी आर आपका क्या था, देखो आर आपका क्या था, ए प्लस बी था, ठीक है? तो ये फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आपको जो मिला ये वाला, वो आपको क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी देगा। उसको रिजल्टेंट वेक्टर अगर आर डैश बोल देते हैं, तो आर डैश जो है वो आपका क्या होगा, आर डैश आपका होगा आर प्लस सी, यानी कि बोल सकते आर इज ए प्लस बी एंड देन सी। तो ये हो गया वेक्टर आर डैश। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने पहले ए और बी ऐड किया, उसके बाद उसमें क्या किया है, सी ऐड किया। तो अगर वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज देखे, उसमें हमने एसोसिएटिव लॉ देखा कि क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखो ऊपर हमने ये स्टेप किया, ठीक है? अगर आप इसका उल्टा करते हो, ठीक है, वी आर ओवर हियर वी एडिड ए प्लस बी एंड देन एडिड सी इनटू इट, अगर आप इसको उल्टा करते हो, ठीक है, यानी कि आप अगर b प्लस सी को पहले ऐड करते हो देन उसमें a को ऐड कर रहे हो, तो इन दैट केस ऑल्सो दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है? सो इट इज द मेथड हाउ वी कैन ऐड थ्री वेक्टर्स। सो हियर अ सिंपल नोट यू हैव टू मेक इज ऐड द टू वेक्टर्स, ओके, एंड मेक इट्स रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज एडेड विद द थर्ड वेक्टर, ओके, टू गिव द व्हाट, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर?